भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच विवाद में दिल्ली पुलिस की क्लीन चीट के बाद अब पहलवान ही आपस में भिड़ते और उलझते दिख रहे हैं। जो पहलवान एकता और बृजभूषण का खिलाफ ऐलान जंग की बात कर रहे थे, वे पहलवान ही अब एक दूसरे की पोल खोलने में जुट गए हैं। इसी को लेकर पहलवान साक्षी मलिक ने अब एक नया दावा कर दिया है। साक्षी मलिक ने कहा है कि हमें बृजभूषण के खिलाफ धरना देने के लिए बीजेपी नेता और पहलवान बबीता फोगाट और तीर्थ राणा ने मोटिवेट किया था। यही नहीं, जंतर मंतर पर धरने की परमिशन भी बबीता फोगाट और तीर्थ राणा ने ही दिलाई थी। साक्षी ने परमिशन लेटर भी दिखाया। इसको लेकर साक्षी, उनके पति सत्यव्रत कादियान ने शनिवार को ये वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कई खुलासे किए। सबको पता है कि सबसे पहले जो हम प्रोटेस्ट पे आए थे जंतर मंतर पे, वो जनवरी में आए थे, और उस प्रोटेस्ट की जो परमिशन है वो बीजेपी के ही दो लीडर्स ने ली थी, उसका प्रूफ है हमारे पास। प्रोटेस्ट की जो परमिशन जो जंतर मंतर थाने से ली गई थी, वो बीजेपी लीडर तीर्थ राणा और बीजेपी लीडर बबीता फोगाट ने जो वो परमिशन ली थी, जिसका प्रूफ भी अभी हमने आपको दिखाया। तो सुना आपने, साक्षी के मुताबिक बृजभूषण के खिलाफ ये सारा प्लान बीजेपी नेताओं ने ही रचा था। अब साक्षी का ये दावा इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि बृजभूषण समेत बीजेपी ये कहती रही है कि इस धरने के पीछे हरियाणा से कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का हाथ है। आपको बता दें कि बबीता फोगाट जहां खुद बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी है, तो वही तीर्थ राणा सोनीपत से ही बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं। अब इस खुलासे के बाद बबीता फोगाट का भी इस पर पलटवार आ गया है। बबीता ने एक लंबी चौड़ी पोस्ट ट्वीट करते हुए लिखा, एक कहावत है कि जिंदगी भर के लिए आपके माथे पर कलंक की निशानी पड़ जाए, बात ऐसी ना कहो दोस्त कि कह के फिर छिपानी पड़ जाए। मुझे कल बड़ा दुख भी हुआ और हंसी भी आई जब मैं अपनी छोटी बहन और उनके पतिदेव का वीडियो देख रही थी। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो अनुमति का कागज छोटी बहन दिखा रही थी, उस पर कहीं भी मेरे हस्ताक्षर या मेरी सहमति का कोई प्रमाण नहीं है, और ना ही दूर दूर तक इससे मेरा कोई लेना देना है। मैं पहले दिन से कहती रही हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी एवं देश की न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखिए, सत्य अवश्य सामने आएगा। एक महिला खिलाड़ी होने के नाते मैं सदैव देश के सभी खिलाड़ियों के साथ थी, साथ हूँ और सदैव साथ रहूँगी, परंतु मैं धरने प्रदर्शन के शुरुआत से इस चीज़ के पक्ष में नहीं थी। मैंने बार बार सभी पहलवानों से यही कहा कि आप माननीय प्रधानमंत्री या गृहमंत्री जी से मिलो, समाधान वहीं से होगा, लेकिन आपको समाधान दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस और प्रियंका गांधी व उनके साथ आ रहे उनके लोगों द्वारा दिख रहा था, जो खुद बलात्कारी एवं अन्य मुकदमों के दोषी हैं। लेकिन देश की जनता अब इन विपक्ष के चेहरों को पहचान चुकी है। अब देश के सामने आकर उन्हें उन सभी जवानों, किसानों और उन महिला पहलवानों को की बातों का जवाब देना चाहिए जिनकी भावनाओं की आग में इन्होंने अपनी राजनीति की रोटी सेंकने का काम किया। जो महिला खिलाड़ी धरने पर साथ बैठे थे, उनके विचारों को सभी पूर्वाग्रहों के साथ ऐसी दिशा दी जहां बस आपके राजनीतिक फायदे दिख रहे थे। आज जब आपका ये वीडियो सबके सामने है, उससे अब देश की जनता को समझ में आ जाएगा कि नई संसद भवन के उद्घाटन के पवित्र दिन आपका विरोध और राष्ट्र के लिए जीता हुआ मेडल गंगा में प्रवाहित करने की बात कितना देश को शर्मसार करने जैसा था। बहन, हो सकता है आप बादाम के आटे की रोटी खाते हो, लेकिन गेहूं की तो मैं और मेरे देश की जनता भी खाती है। सब समझते हैं, देश की जनता समझ चुकी है कि आप कांग्रेस के हाथ की कठपुतली बन चुकी हो। अब समय आ गया है कि आपको आपकी वास्तविक मंशा बता देनी चाहिए, क्योंकि अब जनता आपसे सवाल पूछ रही है। अब इस पर साक्षी मलिक ने भी तुरंत ही बबीता को जवाब देते हुए ट्वीट में लिखा, वीडियो में हमने तीर्थ राणा और बबीता फोगाट पर तंज कसा था कि कैसे वे अपने स्वार्थ के लिए पहलवानों को इस्तेमाल करना चाह रहे थे, और कैसे पहलवानों पर जब विपदा पड़ी तो वे जाकर सरकार की गोद में बैठ गए। हम मुसीबत में जरूर है, लेकिन हाथ से बोध इतना कमजोर नहीं हो जाना चाहिए कि ताकतवर को काटी चुटकी पर आप हंस भी न पाए। साक्षी के खुलासे के बाद अब बीजेपी के अंदर ही हड़कंप मच गया है। तो क्या बृजभूषण के खिलाफ साजिश में बीजेपी के नेता ही शामिल थे, और थे तो क्यों? इसका जवाब शायद आने वाले वक्त में मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।